इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉक एडिटर में कंटेंट को जस्टिफाई कैसे करते हैं। तो जो हमारा पुराना वर्जन था क्लासिक एडिटर का वर्डप्रेस का, तो इसमें हम इजीली कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन इस ब्लॉक एडिटर में नए वर्जन में बहुत से लोगों को कंटेंट को जस्टिफाई करने में बहुत से इशू आते हैं या समझ में नहीं आता कि कैसे जस्टिफाई किया जाए। देन डोंट वरी, आपको जस्ट एक प्लगइन ऐड करना है यहाँ पर। तो प्लगइन सेक्शन में जाना है प्लगइन ऐड करने के लिए, और यहाँ पर आके आपको जस्ट एडिटर्स किट सर्च करना है। तो जैसे आप एडिटर्स किट यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पर प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके रखा है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको आपके पोस्ट में जाना है, और आप जितना कंटेंट जस्टिफाई करना चाहते हो उतना कंटेंट सिलेक्ट करना है आपको। और कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर आप प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये जस्टिफाई का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद आप यहाँ पर जस्टिफाई इजीली कर सकते हो। तो हम पोस्ट को अपडेट करके देखते हैं हमारा कंटेंट जस्टिफाई हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सिर्फ इसी पैराग्राफ को जस्टिफाई किया है, और बाकी का कंटेंट जो मेरा वो लेफ्ट अलाइनमेंट पे है। तो जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आपको बाकी के और भी फीचर्स कई इनेबल हो जाते हैं यहाँ पर, तो उसको भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए प्लगइन का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसे मैन्युअली भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो मैन्युअली जस्टिफाई करने के लिए आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है, और कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर तीन डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडिट एज एचटीएमएल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एडिट एज एचटीएमएल करने के बाद यहाँ पर आपको अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एडिट विजुअली पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू एचटीएमएल पर क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है इसका। तो देखिए कंटेंट आपका मैन्युअली भी जस्टिफाई अच्छी तरह से हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट अलग हो गया, लेकिन आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने प्लगइन थ्रू जस्टिफाई किया था, और यह हमारा सेकेंड पैराग्राफ जो हमने मैन्युअली जस्टिफाई किया था, ये प्लगइन थ्रू किया था और ये मैन्युअली जस्टिफाई किया था। तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बैकएंड में हमारा थोड़ा टेक्स्ट चेंज हो गया है। तो इसके लिए कौन से मेथड यूज़ करना है ये टोटली आप पर डिपेंड है। आई होप आपको कंटेंट जस्टिफाई करने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।